स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के फॉलोअर्स चंद्रशेखर आज़ाद को मिलने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हुए हैं। ये गांव पंडोरिया और पंडोरिया में चंद्रशेखर आज़ाद के फॉलोअर्स को आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का कई घंटों से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब चंद्रशेखर आज़ाद इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं और अभी इन लोगों को संबोधित करेंगे, इन लोगों से बात करेंगे। काफ़िला आप देखिए, दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला है और लोगों की संख्या को देखते हुए ये समझ आ रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का क्राउड। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ सभा का कार्यक्रम है तो लोगों को ज्यादा समय की परेशानी ना, मां पीछे खड़े उठ आ जाए और इधर से माओं का जाए, उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत है। पीछे एक मिनट सुन लो, अगर उसके बाद आप कहोगे एक सही सुन नहीं, एक एक देखो देखो, आप समझदार लोग हैं, 4 बजे मेरी फ्लाइट, एक मिनट सुन लो। चंद्रशेखर आज़ाद की 4 बजे फ्लाइट है और समर्थक चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उनसे मिले, यहाँ पर रुकें, जिसके चलते चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो उन लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें आज जाने दें, वो फिर लौट कर के आएंगे। लेकिन समर्थक हैं कि वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें मिलें, यहाँ पर रुकें, उनसे बात करें। हालाँकि चंद्रशेखर आज़ाद को मिलने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, काफिला आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के काफिला को रोका गया है यहाँ पर, उनसे मिलने के लिए समर्थक खड़े हैं, रास्तों में केक लेकर के खड़े हैं, उनके बेटे का जन्मदिन था। मेरे कंधों में जिम्मेदारी है कि जो उम्मीद मेरी माँ को, बहनों को, बड़ों को, भाइयों को, उसको पूरा करूँगा, इसलिए मैं यहाँ आया। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, छोटे बच्चों से करवा लो और
जो आदमी पीछे फंस जाएगा वो क्या कहेगा, मुझे अच्छा कहेगा बुरा कहेगा, वो कहेगा साहब रोड पे खड़े हो गए। मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगली बार मैं इधर जाऊंगा तो आपको सारी माफी नहीं करना। अगली बार प्रिया बन के आना। चंद्रशेखर आजाद के बेटे का जन्मदिन है, मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पर जगह जगह पर लोग उनके बेटे का जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये है बहुजन समाज के सांसद जो हर एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, हर एक व्यक्ति को मिलते हैं। मैं आज के लिए माफी चाहता हूँ। उठा लो। मैं आपको वचन दे कहता हूँ, गर्म है ये। मैं मूवमेंट के लिए जब तक मेरे शरीर में आखिरी कतरा है लगा रहा हूँ। और वो नोट भी बना जो आपके भाई को खरीद ले जा रहा, जब तक जब मैं ईमानदार से और मानवीय काशीराम साहब काम करते रहेंगे मिलके, बस आप प्यार आशीर्वाद बना के रखें। आने वाले 10 साल में देखते बच्चा टीमला ये बात सफल हो जाए। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।